नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल विद वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग। दोस्तों, ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, ये हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। रात के 11 बजे का बैच है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वी लुकअप्स के बारे में और कुछ लोग ज्वाइन हैं, तो आप भी मेरी ये क्लासेस आप अपने घर से ज्वाइन कर सकते हैं लाइव इंटरेक्टिव 1-to-1, जिसमें आप एडवांस एक्सेल की सारी चीजें मेरे साथ लाइव बैठ के सीखेंगे। डिटेल्स के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे चले जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सेशन, जो कि वी लुकअप से रिलेटेड है। कल की क्लास में मैंने आपको वी लुकअप और वी लुकअप के साथ मल्टी सीट वी लुकअप लगाना और मैच का एड्रेस इंडेक्स को एच लुकअप को कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। आज हम वी लुकअप के और भी चीजों पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मेरे पास सिटी मंथ, एक नया डेटा मैं बनाता हूं इस पे, सिटी मंथ, और यहां पे हमारे पास सेल्स है, राइट। तो मेरे पास कोई यूनिक आईडी नहीं है, राइट, मेरे पास कोई यूनिक आईडी नहीं है, रिपीटेड है, लेकिन मैं चाहता हूं वी लुकअप में दो क्राइटेरिया लगाना। मैं चाहता हूं कि दिल्ली फरवरी में क्या सेल है ये पता करना। बट वी लुकअप किसी भी कंडीशन में दो कंडीशन को अलाउ नहीं करेगी। तो प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे अपना वी लुकअप लगाना है दो कंडीशन में, क्योंकि अगर सिर्फ दिल्ली लगाऊंगा तो ऊपर जनवरी की रिपोर्ट 62 दिखा देगा, बट मुझे फरवरी की चाहिए 34। इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए जो मैं करता हूं कि एक नई कॉलन ऐड करता हूं, फिर मैं दोनों को कॉनकेटेनेट कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं किसी एक सेपरेटर से। सेपरेटर लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लगा देते हैं सेपरेटर से, फिर नीचे ड्रैग कर दीजिए। फिर जहां वी लुकअप आप लगा रहे हो वहां पे वी लुकअप लगाएं, और यहां पे दिल्ली के साथ मैं इसको कंबाइन करता हूं फैब, और फिर कॉमा हम पूरी रिकॉर्ड लेते हैं एंड कॉमा 4.0, ठीक है। बीच में जो डबल इनवर्टेड कॉमा के बीच में डैश दिए हैं, जो अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक कॉलम इंसर्ट किया, सिटी और मंथ को आपस में कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, एक यूनिक बन गया। फिर जहां मैं लिख रहा था इसमें तो आपको सेम करना पड़ेगा ना, कि दिल्ली के साथ मैच करना पड़ेगा। तो यहां भी हमने कॉन्केट लगाया, और सेपरेटर के लिए मैंने डैश इस्तेमाल किया। डैश इस्तेमाल करना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है सर। डैश को इस्तेमाल करना कंपल्सरी नहीं है, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सेपरेटर हो, कल के डेट में मैं यहां ढूंढ सकूं। तो दो या दो से अधिक कंडीशंस पे अगर आपको लुकअप लगाने हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है सर, आगे बने सर। मैंने डेली और फेबिक दोनों डाल दिए, और मेरे को मैं अभी फेब को लुकअप वैल्यू लगाऊंगा और
सी और डी को चूज करूंगा और डाल दूंगा, तो मेरे जो मुझे तो फेब का ही आ जाएगा सेल। हाँ यहाँ फैब का 34 आया ना, मैं यहाँ पे अगर जैन करूँ तो यहाँ जैन के बाद आएगा, यहाँ मार्च करूँ तो मार्च को 73 आ गया, दिल्ली मार्च का। अच्छा, पटना नॉर्मल बी नॉर्मल बी लुकअप में अगर चेंज करता हूँ तो ये नहीं आते हैं। नॉर्मल वी लुकअप में जैसे कि देखिए हमें जो, आप नहीं समझ रहे बात को, हमें जो लुकअप करना है वो लुकअप करना है दो कंडीशंस में, दिल्ली इसमें कई बार रिपीटेड है। मैं चाहता हूं कि उस दिल्ली का टोटल दिखे जिसकी सामने वाली सेल में फैब लिखा हो। दो कंडीशंस है यहाँ पे, एक कंडीशंस नहीं है, मुझे सिर्फ दिल्ली के अकॉर्डिंग करना रहता तो ये झमेला करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके अब चलिए, अब प्रॉब्लम एक और आती है कि कभी कभी क्या होता है हमें कि कंटेन मैच करना पड़ता है। जैसे कि मैं नेम लेता हूं, नेम, और मान लीजिए मैंने सैलरी ले लिया, तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट मैच नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि सुजीत भी हो सकता है या सुजीत कुमार भी हो सकता है, तो मैं यहां पे सुजीत मैच करना चाहता हूं, तो वी लुकअप अभी लुकअप कर लेगा, अभी लुकअप कर लेगा। देखिए लुकअप कर लिया, लेकिन अगर सुजीत की जगह पे सुजीत कुमार आ जाए तो लुकअप नहीं करेगा। बट मुझे करना है कि सुजीत हो सकता है, सुजीत कुमार हो सकता है, जैसे कि दिल्ली भी हो सकती है, न्यू दिल्ली हो सकती है, तो हमें कंटेन करना है, जैसे कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जैसे कि हमने फिल्टर वगैरह भी किया है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यह है कि आप जो है जो लिखते हो नाम उसमें स्टार लगा दीजिए दोनों तरफ, ये आपका लुकअप कर देगा। कर दिया, मतलब अगर डायरेक्ट, ये तो हो गया कि मैं स्टार लगाना पड़ा, लेकिन डायरेक्ट वी लुकअप में करने के लिए आप क्या करें कि इन्वर्टेड कॉमा में स्टार लें, कॉनकेटेनेट करें सुजीत को, फिर अगेन कॉनकेटेनेट, फिर स्टार। फिर स्टार दें, फिर कॉमा, हम लुकअप ले लेते हैं। टू कॉमा जीरो, ठीक है। सर, इसमें एक पूछना था। सर, हेलो। इसमें अगर ये सुजीत कुमार की जगह सुजीत दास होगा तो वो कौन सा वैल्यू पकड़ेगा? सुजीत दास को ही पकड़ लेगा, तो सुजीत कुमार और सुजीत दास दोनों रहेगा तो फिर वो कैसा वैल्यू पहला पकड़ेगा सर? दिखाएगा। वी लुकअप में रिपीटेड हुआ, जैसे यहां भी मैंने सुजीत, सुनिए यहां भी हमने सुजीत, सुनिए 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 सुनिए, यहां भी मैंने सुजीत लिख दिया, कुमार नहीं है, तो पर यहां पे तो ये जो देखिए यहां पे, इसमें तो कंप्यूटर नहीं लगाना है, तो अलग है, मैनुअल नॉर्मल है, ये पकड़ेगा। वी लुकअप में अगर रिपीटेड वैल्यू हुई तो सबसे पहली वैल्यू को पकड़ेगा, क्योंकि ये लीनियर चलता है, लीनियर इसलिए लिखा हुआ है कि ये लीनियर चलता है। ठीक है, उसके लिए कोई ऑप्शन है क्या सर?
नहीं उसके लिए ऑप्शन नहीं है, उसके लिए बनाना पड़ेगा और तरीका है, देखना पड़ेगा सर। सेम प्रॉब्लम में फेस करता हूँ डेली, इसलिए सिस्टम हाँ कैसे पता चला? आपने सुजीत मैच कर दिया ठीक है ना, तो सुजीत में आपने दे हाँ दिया कंटेन राइट, अब आपने बोल दिया कि भाई सुजीत फर्स्ट होना चाहिए, लास्ट में चाहे कुछ भी हो, अब सुजीत दास है सुजीत कुमार है, तो आप एग्जैक्ट यहां पे सुजीत कुमार ही डाले अगर ऐसी दिक्कत होती है तो, हाँ क्या सुजीत कुमार ही डाले? हमने आपको इसलिए बोला कि मान लीजिए जैसे हुआ ना दिल्ली हुआ न्यू दिल्ली हुआ, तो आपका डेटा में हो सकता है कि मान लीजिए आज किसी ने भेजा तो उसमें दिल्ली था, पांच डेटा है, पांच डेटा से वी लुकअप लगा रहे हो, एक में दिल्ली है दूसरे में न्यू दिल्ली है, हाँ तो उस कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है इसमें अगर ठीक है, SUJIT अगर लगा हूं तो तो डेटा नहीं नहीं होगा, मिलेगा। नहीं करेगा। सुजीत और बोलने में आया, ये तो स्पेलिंग करेक्टर के अकॉर्डिंग चलता है, डिजिट के अकॉर्डिंग चलता है ना, साउंड के अकॉर्डिंग तो नहीं चलता है राइट ठीक है। तो इसी में ये आपको अगर आपने दोनों तरफ स्टार लगाया, जैसे सुजीत कर दिया दोनों तरफ, तो ये आता है कंटेन, अगर मैं सुजीत लिखा और फिर स्टार लगाया तो इसको बोलते हैं स्टार्ट बीट, के स्टार्टिंग में सुजीत होना चाहिए, एंडिंग में चाहे जो भी हो, जैसे अभी इसमें क्या हुआ कि कुमार सुजीत होगा फिर भी मैच करेगा, सुजीत कुमार होगा फिर भी मैच करेगा, बट ये क्या हुआ कि सुजीत होना चाहिए उसके बाद वो कुमार हो दास हो शर्मा हो मिश्रा हो सिंह हो कुछ भी हो प्रॉब्लम नहीं है, बस फर्स्ट स्टार्टिंग में सुजीत होना चाहिए, समझ गए? और एक होता है कि पहले स्टार लगा दिया फिर यहां सुजीत किया, इसे कि इसे इसको बोलते हैं एन बिथ, इट मींस हेडिंग्स कि लास्ट में सुजीत होना चाहिए, एड इन बोले ना, एड इन एन बिथ, लास्ट में होना चाहिए, ये स्टार्ट बिथ, ये एन बिथ और एक कंटेन। एक चीज और होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पे मेरे पास वेंडर है और मुझे वेंडर के नाम नहीं होते हैं, वेंडर के नाम नहीं होते हैं, इतना पता है कि उसका 3 डिजिट का कोड होता है, तो मुझे पता करना है कि को 3 डिजिट वाले की वह सैलरी क्या है, तो यहां पे 3 बार क्वेश्चन मार्क करें और फिर यहां पे वी लुकअप इस्तेमाल करें, एंड कॉमा एंड कॉमा, टू होगा ना पे, टू एंड कॉमा 0, E9 सही है, अच्छा हाँ ए से बी करना है ना ठीक है। तो डेटा क्या है इससे इसको मतलब नहीं है, बस 3 डिजिट का इसने उठाया और दिखा दिया ठीक है सर। क्लियर है सर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, अगर ये 4 क्वेश्चन मार्क होते और 4D होता तभी भी सेम हो जाता। चार डी हो चार चार ओके कुछ भी सर, होना चाहिए, एबीसीडी में कुछ भी डिजिट चार होने चाहिए, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी सेम होना चाहिए और यहाँ पे भी डिजिट सेम होना चाहिए। ठीक हाँ राइट राइट है सर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ओके सर। तो वी लुकअप में अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट का इस्तेमाल करना। अब इनडायरेक्ट में क्या है देख जाता हूं आपको, मेरे पास कई सारे शीट्स हैं, D1 सॉरी यहां पे मंथ वाइज है कि जैन फैब मार्च, ऐसे मान लीजिए बहुत सारे शीट्स है, बहुत सारे शीट्स है और हर शीट पे डेटा है सेम तरह का डेटा है, बस नेम एंड सेल्स,
अब मुझे एक अगला चौथी सीट पे क्या करना है बताता हूं आपको। मुझे यहां पे जैन फैब मार्च, जैन फैब मार्च, तीन अलग अलग डेटा चाहिए। अब प्रॉब्लम है कि तीन अलग अलग सीट पे तो, और यहां तीन अलग अलग जगह पे लगाना है। तो जनरली आप क्या करोगे, आप लिखोगे वीलुकअप, इसको सिलेक्ट किया और जनवरी का डेटा है तो जनवरी से आपने वीलुकअप लगा लिया। राइट, फिर फरवरी का है तो फरवरी से, मार्च है तो मार्च से। तो चलो ये तीन चार पांच डेटा है तो आपने कर लिया, कल के डेट में तीन चार पांच 100 हुआ तो क्या, कल के डेट में तीन चार पांच 100 हुआ तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो यहां पे अच्छा क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं फॉर्मूला कॉपी करता हूं और कॉपी करके यहां पेस्ट करता हूं, सब चीज सी सेम है, ये जैन को फैब कर देना है तो रिजल्ट आ जाएगा। इन दोनों में यही डिफरेंस है ना, बाकी फॉर्मूला तो सेम है, जैन इसको फैब कर देना है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से इसको डिलीट करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं और हम कॉनकाटा नेट से कंबाइन कर देते हैं इसको। अब क्या हुआ कि फिर भी डेटा एरर आया, क्यों? क्योंकि जो हमने कंबाइन किया, अगर इस फॉर्मूले को प्रयोग करोगे, प्रोसीजर को रन करते हैं, एवलेट करते हैं, देखिए, तो इसमें जब कंबाइन होने के बाद जो डेटा आया उसमें देखिए जैन ए से बी है, जैन ए से बी, बट वो इन्वर्टेड कॉमा में है, इन्वर्टेड कॉमा में है, इट मींस ये जो है रेफरेंस नहीं है, इसको सिस्टम रेफरेंस नहीं मान रहा है, इसको टेक्स्ट मान रहा है। तो रेफरेंस के लिए क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना है, इनडायरेक्ट फॉर्मूला टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करता है। और फिर आगे ड्रैग करने से पहले डॉलर का साइन लगा दीजिए और फिर इसको ड्रैग कर दीजिए, तो आपका 300 भी रहेगा तो एक बार में। आया समझ में आप लोगों को ये? यस सर, सुना आ गया ना सर? सर एक बार थोड़ा सा अगर चलो क्या है, सुसिंपल से बात कीजिए, यहां पे मेरे पास तीन अलग अलग सीट पे हैं, सीट का जो नेम है वही हमारे कॉलम की हेडिंग है, सेम टू सेम। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे एक एक सीट पे जाना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया कि कॉलम हेडिंग के साथ इसका रेफरेंस है मैच करके एक रेफरेंस टाइप बना दिया, बट हमने कॉनकेटेनेट लगाया, कंबाइन किया तो टेक्स्ट हो गया, फिर वो क्या बोलते हैं डेट नहीं रहा, फिर वो जो है रेफरेंस नहीं रहा, सॉरी माफ कीजिएगा, रेफरेंस नहीं रहा। तो रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने इनडायरेक्ट का इस्तेमाल किया, इनडायरेक्ट ने इसको रेफरेंस में इस्तेमाल कर दिया। अगर इसको आप एवलेट करके देखिए तो पता चलेगा, देखिए कि पूजा को यहां से जैन कंबाइन करके जैन ए से बी तक इनडायरेक्ट ने इसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया, देखा डॉट लग गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गई, रेफरेंस बन गया, फिर वी लुकअप ने अपना रिजल्ट दे दिया। ठीक है, कोई डाउट सर? सर ये कॉन्केटेनेट जो है वो थोड़ा सा एक बार यार सिंपल सी बात है, कॉनकेटेनेट क्या होता है कि जैसे सुजीत कुमार लिखा हुआ है,
दो अलग अलग सेल पे है, इसको आपस में कंबाइन करने का काम करता है, बस सिंपल स्पीड को ऐसे। जो कंबाइन कर रही है। हाँ, उसी तरह से यहां पे जैन लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है ए से लेके बी तक। मैंने इसको इसको लिया, आपस में कंबाइन कर दिया, आ गया। अब ये सेल वैल्यू है, रेफरेंस तो है नहीं, तो मैंने इसको इनडायरेक्ट में डाल दिया, तो ये रेफरेंस बन गया, सिंपल। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा सर। तो वी लुकअप से रिलेटेड मैंने सारे टॉपिक कवर किए, बस एक टॉपिक बचा है, वी लुकअप लिस्टिंग। वी लुकअप लिस्टिंग मतलब कि अगर आपके पास अभी क्या है कि मान लीजिए कि एक नाम, एक डिपार्टमेंट जो है 10 बार है, और मैं डिपार्टमेंट से अकाउंटिंग लिखा, तो अकाउंटिंग की 200 वैल्यू आनी चाहिए। जो भी मैंने बताया आपको कि वी लुकअप हमेशा लीनियर चलता है, कि अगर रिपीटेड है तो एक को ही शो करता है, लेकिन मुझे सारे को शो करना है, तो उस केस में क्या होगा। तो ये मेथड को मैं वी लुकअप लिस्टिंग नाम दिया है, जो कि मैं आपको कल कराऊंगा, वो वी लुकअप के लास्ट टॉपिक है, फिर हम आगे अगली कैटेगरी में बढ़ेंगे। तब तक वी लुकअप को अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लें, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि सर वी लुकअप इसका में थोड़ा फाइल इंपॉर्टेंट फाइल टॉपिक दीजिएगा। है। फाइल जस्ट अभी भेज रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट में मिल जाएगी आपको। वीडियो भी सर। हेलो वीडियो अभी यूट्यूब पे चली जाएगी सर, ऐसे ड्राइव में तो जाएगा कल सुबह तक, लेकिन यूट्यूब पे अभी चल जाएगी। सर, मैंने एक पूछा था आपसे क्वेश्चन। हेलो, हाँ, पूछिए, क्या पूछा था आपने क्वेश्चन? वो एक मैंने वो आपको उसपे व्हाट्सएप पे एक मैंने वो वीडियो भेजी थी आपकी, हाँ तो उसपे जो टोटल है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा था, जो टोटल अगर आप रोज कम कर रहे हैं तो टोटल भी अपने ऊपर शिफ्ट हो रहा था। स्ट्रिंग 2 फिट होता है, हाँ जी, अलाइनमेंट के अंदर में स्ट्रिंग 2 फिट ऑप्शन होता है। स्ट्रिंग 2 फिट। हाँ, वो कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग उसका टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करता है। समझा नहीं मैं आपकी बात। जैसे कि आपने यहाँ पे सुजीत कुमार लिखा, आपने एक मिनट, सुजीत कुमार लिखा, ठीक है, आप बोलते हो कि मेरा जितना बड़ा कॉलम का साइज है उसी में फिट हो जाए, कॉलम का साइज बढ़े तो बढ़ जाए, कम हो तो नहीं घट नहीं जाए। नहीं सपोज कीजिए कि 1 से 10 तक मेरे पास वो है नंबर्स, हाँ तो उसके बाद उसका टोटल आ गया 55। अगर उसमें से ऊपर से दो रोज में से मैं वो हटा दूं कॉलम में से, तो ऑटोमेटिकली टोटल ऊपर शिफ्ट कर जाए। अच्छा, वो चीज हाँ जी, टोटल शिफ्ट कर जाए, नहीं सर, डिलीट होगा तो फिर दिक्कत ना हो हाँ, जाएगी ऐसा। तो एक मिनट, अगर आपने सम आपकी किया, उस आप बोल रहे हाँ हैं ये सब कि किया, यहां मैं उसमें से मैंने डिलीट, दो नंबर हटाए। 2 नंबर को क्या करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो आप? हाँ, डिलीट किया तो ये जो नंबर्स हैं बाकी ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं आपके उसमें। वो बेसिकली जो है, नहीं बताता तो हूँ आपको क्या है, वो फॉर्मूला है रो का फॉर्मूला, आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें देखे होंगे, रो का फॉर्मूला है। जब रो फॉर्मूला लगाते हैं और बीच में से अगर कोई नंबर आपका डिलीट होता है तो अपने आप को मैनेज कर लेता है, ये बोले ना आप? अच्छा हाँ, बस यही बोल रहे हैं, ये चीज बोल रहे थे। रो फॉर्मूला का ठीक है, रो फॉर्मूला मतलब रो को सम के साथ यूज करना है हमने, ठीक है सर। ओके, तो मिलते हैं कल सेम ओके ओके टाइम। तो दोस्तों, देखा किस तरीके से अभी कई सारे लोगों ने मेरे साथ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस ली, अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम मेरे साथ लाइव शेयर किए, जैसे आप किसी क्लासरूम में करते हो उस तरह से। तो आप भी चाहो तो मेरे साथ इसी तरह से बैठ के क्लासेस को सॉल्व, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, हमारी क्लासेस ले सकते हो। बस इसके लिए आप गो टू मीटिंग, मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं और डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दें, प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लें, हम गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर से लेते हैं, जो सॉफ्टवेयर मैं खुद प्रोवाइड करूंगा आपको।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको ऑन कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें, और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।